ज्ञानोदेवी वेलफेयर ट्रस्ट के मालिक द्वारा ठगी करने के संबंध में पीड़ित लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसएसपी को सौंपा गया। ज्ञात हो कि थाना मंझोला अंतर्गत काशीराम नगर में चल रहे ज्ञानोदेवी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा लोगों को ठगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित लोगों द्वारा जिला मुख्यालय मुरादाबाद पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए ज्ञानोदेवी वेलफेयर ट्रस्ट के मालिकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ठगी द्वारा पैसा हड़पने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द ट्रस्ट के मालिकों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। संगठन द्वारा यह भी मांग उठाई गई कि महत्वता के आधार पर उपक्रम को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ट्रस्ट के मालिक व उसके सहयोगियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जसपाल सिंह, रोहित गौतम, महेश प्रधान, सत्यम राही, राजन गौतम, सुनीता यादव, पूजा अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल, निशा यादव, अमर सिंह, रामबत्ती, किरण, सरोज, नसरीन, सुरेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? धारणा। धारणा जी, आज प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको ज्ञापन देंगे, क्या इसके संबंध में? ज्ञानोदेवी वेलफेयर ट्रस्ट एक संस्था खुली थी जो कम से कम 400 महिलाओं से जुड़े हुए थे और हमसे फार्म भरवाते थे, घर का सामान दिलवाते थे, जैसे वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, फ्रिज वगैरह। इस तरीके से वो लेके दो तीन करोड़ रुपये लेके फरार हो गए और घर पर भी उनके ताला, ऑफिस पर भी ताला है। हम सब लोग बहुत परेशान हैं, लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, बताइए हम कहाँ से देंगे। किसके पास आए हैं आज आप? एसएसपी साहब के। क्या चाहते हैं एसएसपी से? हम चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए और हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के माध्यम से ये आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और माननीय जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी संज्ञान में संगठन के आया है कि एक ज्ञानोदेवी वेलफेयर ट्रस्ट जो काशीराम नगर मुराद में चला करता था, उसने हज़ारों महिलाओं के साथ ठगी की योजना के तहत ठगी की है और लाखों करोड़ रुपए महिलाओं को लेकर के वो जनपद मुराद से फरार हो चुका है, जिसका नाम ओमबीर बताया जा रहा है। और संगठन को करीब 600 महिलाओं ने अपना प्रार्थना पत्र दिया संगठन को सहायता के लिए, संगठन की भरसक सहायता करेगा। और यदि संगठन के माध्यम से अभी वार्ता मान्य वरिष्ठ प्रतिनिधि की मदद की जाएगी, यदि उचित और संतोषजनक जवाब शासन प्रशासन से मिला तो ठीक है, अन्यथा की दशा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के माध्यम से एक मतलब घोर आंदोलन किया जाएगा जब तक इन महिलाओं का उस ठगी के शिकार हुए महिला पुरुष से इनका पैसा वापस नहीं दिया जाता, इनको इंसाफ नहीं दिया जाता। जब तक लड़ते रहेंगे आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे। जी।